मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कैरेक्टर। सबसे बड़ी मेहनत आई थिंक वही होती है जब आप उसको मान लेते हो कि आप ही हो, और तब आप परफॉर्म करते हो। हमारी टीम, हमारी सारी आर्टिस्ट, हमारे डायरेक्टर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग सबको उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से जो डिज़ाइन किया है ना, बहुत डिटेलिंग में। इस वक्त मैं प्रचंड अशोका के सेट पर, और हमारे साथ हैं मल्लिका सिंह जो कर्व की बनी हुई हैं, और मुझे लगता है कि हिंदी पे बहुत काम हुआ है। कह भी सकते हैं, अभी रोज़ हम डेली इतनी आदत पड़ गई है ऐसे बोलने की, तो एनीवे आप अडेप्ट कर लेते हो वैसे बोलना। कई बार शायद हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कैसे कैसे शब्द हमारे लबों से निकल जाते हैं। लेकिन ये बताइए, कैसा लग रहा है प्रचंड अशोक शुरू हुआ और काफ़ी अच्छे ट्विस्ट ऑन टर्न के साथ चल रहा है, सो मल्लिका कितना एंजॉय कर रही है इसे? देखो, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं, बहुत ही प्यारा शो है। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब इतने अच्छे कलाकार हैं, सबके साथ काम बहुत अच्छी टीम मिली है यहाँ पे, और मुझे तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। राधा कृष्ण जो आपका था उसमें एक प्यारी सी फूल सी राधा थी, और यहाँ पे एकदम प्रचंड वाली कौरवकी बनी है, तो हाउ डू यू सी दीज कैरेक्टर्स? बिकॉज जो आपका राधा वाला अवतार था ना, उसमें बहुत सारे और भी थे आपने प्ले किए, बट देट वॉज समथिंग वेरी क्यूट और बहुत ही दिलों में बसा हुआ कैरेक्टर। देखो, वो तो एक मेरे हमेशा वो किरदार ऐसा था जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा और बहुत ही स्पेशल था। बस अभी यहाँ पे कौरवकी का क्या है कि अभी नए नए चीज़ें, जैसे जैसे स्टोरी बिल्डअप हो रही है, जैसे जैसे लिख के आ रही है स्क्रिप्ट, वैसे वैसे मैं भी सीख रही हूँ स्क्रिप्ट से, वैसे वैसे मैं भी अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस कैरेक्टर को जस्टिस दे पाऊँ, कौरवकी को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कैरेक्टर। तो कुछ खास इसके लिए मेहनत हुई है, वो एंगर लाने के लिए, वो एक्सप्रेशन लाने के लिए स्पेशली? बिकॉज एक तो माइथो है और आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो वो फेस पे वो चमकना चाहिए कि कौरव की किस तरह से, किस रूप से बात करती है। देखिए, इतनी अच्छी राइटिंग है ना, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, जिस हिसाब से स्टोरी लिख कर आती है, तो अब उसको एनीवे पढ़ते हो ना, तो वो अपने आप ही वो इमोशंस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी मेहनत आई थिंक वही होती है जब आप उसको मान लेते हो कि आप ही हो, और तब आप परफॉर्म करते हो, एक्टिंग नहीं करते हो। सबसे बड़ी मेहनत आई थिंक वही होती है। और यहाँ पे जो स्टार कास्ट है इतनी अच्छी अच्छी है, रक्षंदा खान है, शालिनी जी हैं जो अशोक की माँ का किरदार प्ले कर रही हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो पार्वती कहानी घर घर की में उन्होंने डेब्यू किया था, फिर वापस कर रहे हैं, देन अदनान है, और भी बाकी इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, सो कैसा बॉन्ड है सेट पर आप लोगों का? देखिए, सब बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही प्यारे एक्टर्स हैं, बहुत ही स्वीट है। अब मैं पर्टिकुलरली अभी किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अभी अभी बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, हम टाइम मिलता है तो हम बात करते हैं, मिक्सअप होते हैं, चीज़ें जान रहे हैं, सब एक दूसरे से सीखते भी हैं, और हमें मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हमारी टीम, हमारी सारी आर्टिस्ट, हमारे डायरेक्टर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और बहुत अच्छे से काम होता है। Lastly, tell me about your look. It's looking so heavy but beautiful. Thank you so much. अभी ये मेरा ब्राइडल लुक है, इसमें मेरी अभी मेरा भी विवाह हुआ है जो आप शीघ्र ही टेलीविजन पर देखेंगे, और मुझे बहुत ही प्यारा लुक लगा है। बहुत सारी ज्वेलरी है, ये बहुत जैसे दिया हुआ है, अभी एक्चुअली आप पूरा दिन हो गया है शूट करते करते, तो थोड़ा सा हैवी थकान हो जाती है थोड़ी थोड़ी, वो तो नॉर्मल है, बट बहुत अच्छा लग दिया है, कैसे सेट करके दिए हैं पूरे लुक, सिर्फ मेरे ही नहीं बाकी सबके भी, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं सबके लुक, सबको उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से जो डिज़ाइन किया है ना, बहुत डिटेलिंग में, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।